देखें, कहानी सुनने में बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, सुनाएं इसको। हम लोग कहते हैं, अभी हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर देखा था, दैट वाज योर एमलगमेशन, कौन सा था, जिसमें एब्जॉर्प्शन शामिल था और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से चलता था। किसके हिसाब से चलता था? अब हम जो बात करने जा रहे हैं, दैट इज योर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब को फॉलो करता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पूरा एक प्रोसेस है, कैसे करना है, और इस प्रोसेस को कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। किसकी परमिशन चाहिए होती है? आप सोच लें कि हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लें बिना कोर्ट की परमिशन या बिना प्रोसेस फॉलो किए हुए, वो आप नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फॉलो करना पड़ेगा। ये है क्या, कहानी सुनते हैं, है क्या कि एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट में, इस कंपनी की बैलेंस शीट में नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहा है। कंपनी पिछले 10 साल से बिजनेस कर रही है और उस कंपनी की बैलेंस शीट में यहां पर लॉस दिख रहा है, एसेट साइड। या आज अब जो नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो तो हम रिजर्व एंड सरप्लस लॉस में भी हो तो यहां माइनस में दिखाते हैं, मालूम है ना। तो फिलहाल लॉस दिख रहा है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख की। पहले साल लॉस हुआ 6 लाख, कंपनी गई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल मैनेज हो जाएगा। अगले साल ये बढ़कर हो गया 16 लाख, कंपनी कही ठीक है, ठीक हो जाएगा। ये बढ़कर हो गया 20 लाख, यानी अब कंपनी अंधेरे में जा रही है और कंपनी को लग रहा है कि नियर फ्यूचर में भी इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यानी कंपनी इज हैविंग अ ह्यूज लॉस और कंपनी की लायबिलिटीज पड़ी हुई है, डिवेंचर्स को पैसा देना ही है। जरा देखो, एक मैं तुम लोग को एक अगर छोटी सी बैलेंस शीट बना करके दिखाऊं, ये 5 लाख की बैलेंस शीट है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख एंड 8% डिवेंचर्स। कितना हुआ टोटल, जरा देखो तो। चलो इसको 1 लाख कर देते हैं। हाँ बताओ, टोटल कितना हुआ? 16 लाख। ठीक है, अब जरा देखो, ये बैलेंस शीट मैच कर रही है। सीए साहब ने बैलेंस शीट बनाई, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दी, ये लो हमने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट मैच कर गई, तालियां बजाओ। मैच कर गई ना, कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है,
कंपनी को लगता है हम तो खत्म होने वाले हैं, क्यों? क्योंकि कंपनी के पास क्या है, क्या है? लॉस। और कंपनी को नियर फ्यूचर में कोई फायदा नहीं दिख रहा, तो कंपनी बंद कर दें? अरे बोलो ना, क्या करें? सामने एक कंपनी की बैलेंस शीट है, बताओ क्या करें? अरे क्या है इस बैलेंस शीट में, इतना पढ़ चुके हो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, अब क्या करें इसका? चलो ये बताओ, कंपनी ठीक है अगर इस 4 लाख को कंपनी रिकवर कर दे तब तो ठीक है, अगर कंपनी प्रॉफिट में आ जाए, 4 लाख प्रॉफिट आ जाए तो? हाँ, इसकी कोई औकात है? इसकी कोई वैल्यू है? डेटर्स में 60% बैड डेट्स होने वाले हैं। स्टॉक, हाँ स्टॉक जो है उसका 50% खत्म हो चुका है, लॉस हो चुका है। प्लांट एंड मशीनरी इतने की नहीं है जितने की दिख रही है, इसकी रिकवरेबल वैल्यू केवल 40,000 है मान लो। कंपनी है कहां पहले ये बताओ, कंपनी तो कहीं है ही नहीं। अगर इस कंपनी की एक फेयर बैलेंस शीट बनाएं तो तुम लोग को क्या दिखेगा कि सर हमारे पास एसेट के नाम पर प्लांट एंड मशीनरी है 40,000 की, हाँ या ना? बोलो। हमारे पास स्टॉक के नाम पर 50,000 है केवल, सही वाला। हमारे पास डेटर्स के नाम पे केवल और केवल 40,000 है, और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। टोटल मिलाकर एसेट साइड 1,30,000 की है, और दिखा कितना रहते एसेट साइड? कंपनी है कहां? कंपनी तो है ही नहीं ना, कंपनी तो है ही नहीं ना। बोलो क्या करें, रहने दें 16 लाख पे, दुनिया को भ्रम में डालते रहें? कंपनी हमको खत्म कर दे, कोई दूसरी कंपनी आए, वाई लिमिटेड, हम एक्स लिमिटेड हैं, ये वाई लिमिटेड हमारे पास आए, कहे भैया हम आपकी कंपनी को खरीद ले रहे हैं, दे दे उसको। ये एक तरीका हो सकता है कि वो अपने प्रॉफिट्स को चुन ले, ये हम ना प्लांट एंड मशीनरी 40,000 मिलेंगे, स्टॉक ना 50,000 मिलेंगे, डेटर्स ना 60-40,000 में ले लेंगे, तुम्हें इतना पैसा दे देंगे। दैट वॉज इक्वली पॉसिबल इन द केस ऑफ द अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यहां हाँ या ना? ये था देखा, लेकिन ये कंपनी आज की नहीं है। मैंने क्या कहा, 10 साल, 15 साल, 20 साल इसने इस कंपनी ने इस नाम को मार्केट में दिया है। घर अगर खंडहर हो जाए तो दो रास्ते होते हैं, या तो दूसरे को बेच दो, निकल लो अपना पतली गली से, दूसरा या तो पूरा उसको तोड़ करके फिर से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करो, बिना इसकी आइडेंटिटी को लूज किए हुए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू हैंड ओवर माई आइडेंटिटी टू द अनदर वन, आई जस्ट वॉन्ट टू रिटेन इट। मार्केट में काफी साल लग गए इस नाम को आने में, नोकिया खत्म हो गई थी, दोबारा उसने ट्राई किया है, हाँ या ना? पक्की बात है ना? वही चीज यहां पर भी है कि ये कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है। कंपनी चाहती है इसमें से जितनी भी फालतू की, अब तुम्हें कोई ये बैलेंस शीट दे दे और तुम्हें कोई ये बैलेंस शीट दे दे, दोनों में अच्छा किसको मानोगे? अच्छी बैलेंस शीट, साउंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको मानोगे? नीचे वाला। भले ही ये कंपनी 1,30,000 की दिखेगी, लेकिन इसमें जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो वर्किंग है, काम करने वाले हैं, फालतू की कोई चीज नहीं है, लॉस मेकिंग कुछ भी नहीं है। जितनी भी बीमारियां हैं उनको निकाल करके फेंक दो, इसको हम कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। घर की मरम्मत खुद घर के अंदर ही रहकर करना, उसकी आइडेंटिटी एज सच मेंटेन रहेगी, इसको हम क्या नाम देंगे? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना इंटरनली। अब समझ में आई बात? अब जब ये एक्स लिमिटेड ये बैलेंस शीट किसी को देगी तो यहां पर लिखेगी जरूर आफ्टर रिडक्शन, और ऐसा नहीं है। अब ये क्यों लिखा जाएगा, क्या है, अभी मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूं। ये कैसे आएगा, ये 1,30,000 कैसे दिखा देगी कंपनी? अपनी मर्जी ये दिखा दे, ये भी पॉसिबल नहीं है, मेरी मर्जी से ऐसे नहीं होता। हमको सारी कंसर्न्ड पार्टीज को अपने फेवर में पहले लेना होगा,
जो जो अब इस कंस्ट्रक्शन से या रिकंस्ट्रक्शन से अफेक्टेड होंगे उनको हमें पहले फेवर में लेना होगा। जानते हो फेवर में कैसे लेंगे? जानते हो फेवर में कैसे लेंगे? नहीं ना, इधर आओ, इधर आओ। तुम क्या हो? डिबेंचर होल्डर ना। कितना रुपया चाहिए हमसे? ये नहीं ना चाहिए तुमको, ये भी चाहिए। हम जा रहे कंपनी को बंद करने, हमसे मत मांगना पैसा। लिक्विडेटर आएगा ना, उससे मांग लेना। तुम कहोगे नहीं, हम तो आपसे, अरे हम सेपरेट एंटिटी हैं, हम कोर्ट के पास जा रहे हैं अपना लिक्विडेशन फाइल करने, हमारे पास इतनी औकात नहीं है 7 लाख रुपए तुम्हें दे, हमारी टोटल कंपनी की औकात ही 1,30,000 है। डंडा लेकर दौड़ाओगे? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे कर सकते हो बोलो? हमारे कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है? तुमको हम 7 लाख कैसे दे देंगे, हमको ये बताओ। एक काम करो, पहले तो इसको वेव करो, बोलो नहीं चाहिए। तुम कहोगे नहीं चाहिए। ये जो 6 लाख दिए हो ना, इसको हम 50,000 पर ला रहे हैं। कितने पर ला रहे हैं? हाँ करते हो? नहीं, हम नहीं करेंगे। तब जाओ लड़ लो केस, कर दो कोर्ट में केस, वहीं से लेना पैसा, हमसे बात मत करना। तुम वहां जाओगे ना तो इतना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लिक्विडेटर का खर्चा वर्चा भी तो इसको बेचने के बाद निकलेगा, है कि नहीं? कुछ नहीं मिलने वाला। जाओ, अच्छा दे दो, जो मिल रहा है दे दो, वैसे ही कोई उम्मीद तो थी नहीं, मिल रहा है दे दो, तुम मान गए। अब मैंने किसको पकड़ा? क्रेडिटर को। इधर आओ, क्रेडिटर आया। मैंने कहा देख, डिवेंचर जिन्होंने लोन दिया था एसेट वगैरह की वैल्यू पर, वो तो मान गए 50,000 पर अपनी वैल्यू करना, 10% से भी नीचे ले गए। तुमको कितना चाहिए? ऐड करके कहते 2 लाख चाहिए। ठेंगा, जाओ लेकर देख लो, कोर्ट में जाओ। वो तो मान गया 50,000, वो तो तुमसे बड़ा क्रेडिटर था, उसके ऊपर तो वो तो प्लांट से भी वसूल कर सकता था यहां से, लेकिन उसने इतनी शराफत दिखाई, मान गया। तुम कौन से खेत की मूली हो? हमसे अगर वसूलोगे तो हम 20,000 से ज्यादा तुमको ना दे पाएंगे। हाँ करते हो तो बोलो, नहीं तो जाओ, दरवाजे खुले हुए हैं। कहेगा हाँ चलो निपटो, इसके बाद बुलाएंगे इनको, प्रेफरेंस वालों को। इधर आओ। क्या हो? मालिक हैं। क्या हैं? हम मालिक हैं। तो एक मालिक काम करो, इनका 6 लाख दे दो, इनका 2 लाख दे दो। तो मालिक हो ना, वसूलने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं, दे दो 6 लाख 2 लाख। तेरा पैसा तो वैसे ही जीरो हो ही चुका है, औकात तो है नहीं कुछ, मालिक हैं, जाओ दे दो पैसा। डंडा लेकर खड़े हैं घर के बाहर। तो ये कहेंगे क्या करें? तो हम कहेंगे देखो, 10,000 रुपए में हम तुम्हें कन्वर्ट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? मानना है तो मानो, नहीं तो पतली गली से निकल लो, हम खत्म करें। क्योंकि इनके लिए पैसा नहीं है मेरे पास, इनको देने के बाद तुम्हारे लिए क्या बचेगा? जीरो। तो ये लोग भी कहेंगे हाँ सुनो, इतना तुम बर्दाश्त कर रहे हो ना, हम तुम्हारा रेट बढ़ा दे रहे हैं अगली बार से, इतना तो कर ही सकते हैं। क्यों? कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तुम इतना बर्दाश्त कर रहे हो, तो हम 15%, तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था ना, अब हम इसको बढ़ाकर कितना कर रहे हैं? 15%। तुम भी खुश कि चलो फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट भी मिलेगा और इस समय कुछ वैल्यू तो रही। इसके बाद सबसे लास्ट में किसको बुलाएंगे? देखो तुम लोग हो असली मालिक,
सारा नुकसान करना पड़ेगा तुमको बर्दाश्त, ये खड़े हैं लाइन में लेने के लिए। अब एक काम करते हैं, तुम लोग अपनी वैल्यू सीधे सीधे कर दो, जीरो नहीं 10,000 कर दो, 20,000 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं 20,000 और एक शेयर की वैल्यू 2 रुपए कर देते हैं, ठीक, पक्की बात, मान जाएंगे। देखो क्या नहीं, क्या वो रियल मालिक है, वही करवा ही रहे हैं बेचारे सब, उन्हीं को ही, वो तो बेचारे 2,000 पर भी तैयार जाएंगे, नहीं तो उनको तो 1 रुपया नहीं मिलने वाला, कुछ है ही नहीं कंपनी में देने के लिए, लायबिलिटी को नहीं दे पाओगे तुम, बाकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात ही छोड़ दो, है कि नहीं, तो मानना पड़ेगा, मजबूरी है। जब सबसे ये प्लानिंग बन गई तब हम कहेंगे ठीक है अब कंपनी को हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। सारी पार्टी से बात हो गई, रेजोल्यूशन पास हुआ, एग्रीमेंट सबके साथ तय हो गया, उसके बाद ये पेपर ले जाकर के कोर्ट में सबमिट कर देंगे, कोर्ट इसको फाइनली पास करेगा, कोर्ट फाइनली इसको पास करेगा, और उसके बाद हम लोग जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो जितने साल तक कोर्ट हमको आदेश देगा, 4 साल 5 साल तक आपको अपनी बैलेंस शीट के आगे लिखना है आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन या आफ्टर रिडक्शन, वो हमको 4 साल 5 साल तक लिखना पड़ेगा, क्यों, ताकि दुनिया को पता चल सके कंपनी इस तरह से निकल चुकी है विपदा से, पता चला हेल्दी बैलेंस शीट बना करके लोगों को भरमा रहे हैं, वो काम नहीं कर सकते, आपको ये लिखना पड़ेगा ताकि दुनिया को पता चल सके। वैसे क्या पता चलेगा, किसी को दे भी दोगे, किसी डॉक्टर को दे दोगे ये है, उसको क्या पता चलेगा आफ्टर रिडक्शन, ठीक है ना, लेकिन ठीक है दुनिया को बताना भी तो है। चले हो गया, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। प्रॉब्लम आती है हाउ टू रिकॉर्ड दीज थिंग्स इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम इसको कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें। हमारे पास कई तरीके थे, पहला तरीका 10 रुपए के शेयर को 2 रुपए में कन्वर्ट कर देना, ये जो हम कर रहे हैं ना 5 लाख से जो 4.80 निकला क्या यूज करेंगे सर, क्या यूज करेंगे इसका 4.80 का, ये जो 2 लाख में से 10,000 छोड़कर बाकी 1.90 निकला क्या यूज करेंगे सर आप इसका, ये जो 6 लाख में से 50,000 में से 5,50,000 जो बाहर आया निकल करके क्या यूज करेंगे, इसका यूज हम करेंगे इन लॉसेस को मीट आउट करने में, 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 बात समझ में आया। इधर से जो बुक में घाटा दिख रहा है और इधर जो बुक में अब प्रॉफिट दिखने लगेगा, दोनों को एडजस्ट करेंगे, क्या दोनों को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद एक हेल्दी बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी तरह, करें। मैंने तो ऐसे ही बनाया, हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, हो सकता है प्लस या माइनस में आए, लेकिन तरीका हम बता रहे हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए जर्नलाइज करो, क्रेडिटर को कितने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को जीरो करना है ना, क्या करना है इसको, क्या करना है, कैसे करेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट खत्म हो गया, और फायदे को ले जाएंगे कैपिटल रिडक्शन में, कहां ले जाएंगे, एक खाता बना दिया 1 लाख का, जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे वो कहां जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन में, वही तो पढ़ रहे हैं कैपिटल रिडक्शन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये हो गया एक खत्म। अब हमारी नई बैलेंस शीट में ये दिखेगा नहीं, सुन लो इधर, क्रेडिटर्स को कितने से उड़ाना है, 2 लाख को 20,000 पर लाना है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितने रुपए से उड़ा दें, 1,80,000 उड़ा दिया, देखो क्रेडिटर भी उड़ गया और फायदा कहां चला गया, कैपिटल रिडक्शन। अब किसको उड़ाना है, डिबेंचर को 6 लाख से कहां पर लाना है, 50,000 पे, तो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, चलो अभी हम उतना डिटेल में नहीं बता रहे, केवल तुम लोगों को समझाने के लिए, कैपिटल रिडक्शन कितना, वो 5,50,000 हटा दें,
इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि नहीं मालूम तो हम अभी ऐसे ही कर रहे हैं, नॉर्मल सिंपल तरीका खत्म। अब क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 10 से 15% पर कन्वर्ट करना है और 2 लाख को 10,000 पे लाना है। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पुरानी वाली तो पूरी उड़ा दो, पूरी की पूरी उड़ा दो, 2 लाख का 2 लाख, क्योंकि अब उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं पूरे मार्केट में। और इसका कैपिटल रिडक्शन में कितना ले जाएंगे, 190, और जो 10,000 बचा उनको नए प्रेफरेंस शेयर दे देंगे 15% वाले। हाँ या ना, कितने रुपए के, तो 190 का फायदा भी हो गया। बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल को उड़ा दें 5 लाख को, तो देखो पुरानी इक्विटी शेयर कैपिटल उड़ा दी, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाली पुरानी वाली उड़ा दिए, कितने रुपए की थी, और इसको लाना कितने पर है, 20,000 पे, यानी कैपिटल रिडक्शन में कितना चला जाएगा, 480। और कहां ले जाएं इसको, इक्विटी शेयर कैपिटल नया वाला दे देंगे 2 रुपए वाला, कितने रुपए का, यानी 10,000 शेयर नए चले जाएंगे। कर लिया ये सब, इन लॉसेस को उड़ा दें, जो जो फालतू के लॉसेस हैं उड़ा दें, गुडविल को उड़ा दें, हमारे पास कितना खजाने में कितना पैसा आ गया, जरा ऐड करो तो 1 लाख, 1,80,000, 1,80,000, 280, 280 प्लस 550, 830, 830 प्लस 190, 1020, 1020 प्लस 480, 15 लैक्स, हमारे पास कितना कलेक्ट हो गया कैपिटल रिडक्शन में, ये हमारा क्रेडिट साइड है। हाँ या ना, अब जरा देखो गुडविल को उड़ा दें, देखो इधर गुडविल को उड़ा दें, कैपिटल रिडक्शन से ही तो उड़ाएंगे, जो फायदा हम लिए हैं वहीं से तो सबको उड़ाएंगे। सबसे पहले किसको, कितने की थी, उड़ा दिया। उसके बाद पेटेंट को उड़ा दें, कितने से, 3 लाख से, पूरा का पूरा उड़ जाएगा। अरे बोलो, फिर किसको उड़ा दें, स्टॉक को 50% से उड़ा दें, 50,000 से, टू स्टॉक, कितने से, 50,000 से। डेटर्स को कितने से उड़ाना है, 60,000 से, यही उड़ाओ, जहाज ने उड़ा कर तुम लोग यही सब उड़ाओ। पीएल उड़ा दें, कितने से, कुछ और नहीं ना उड़ाना था, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 से उड़ाना है ना, देखो कितना उड़ गया सर, 14 लाख उड़ गया। देखो हम लोग क्वेश्चन गलती से सही बना दिए, अभी भी हमारे पास उड़ाने के लिए कितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, उड़ाना मत उसको, कैपिटल रिजर्व में संभाल कर रख लेना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट जो बच गया है टू कैपिटल रिजर्व, कितना, वैसे बचना नहीं चाहिए, सब जीरो हो जाने चाहिए। बात समझ में आई, देखो खत्म। अब इसको करने के बाद तुम्हारी ये नई बैलेंस शीट बन जाएगी, और यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 2 रुपए वाला 20,000, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10,000, बोलो ना, और 8% डिबेंचर हो जाएगा 50,000, और क्रेडिटर्स हो जाएंगे 20,000, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 30,000, कितना, देखो मैच कर रहा है, आ तो गया आंसर, अब समझ में आई बात। अरे बोलो ना, बैलेंस शीट मैच कर गई, यानी इस बैलेंस शीट को यहां से यहां तक लाने के लिए, नाउ दिस इज द हेल्दी बैलेंस शीट,
ये बीमारू बैलेंस शीट थी जिसको हम कहते हैं सिक कंपनी। क्या इसको हमें हेल्दी बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस एंड दिस इज नॉट अ सिंपल वन। हमको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट में सारा प्रोसेस रखना पड़ेगा, उस प्रोसेस को पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आफ्टर डिडक्शन लिखना पड़ेगा उतने सालों के लिए, और हमें ये नई बैलेंस शीट लोगों के सामने रखनी पड़ेगी। ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया है तो चैप्टर खत्म है। इतना आसान भी नहीं है, मजे तो अब आएंगे। मतलब चैप्टर का थीम यही है इन टोटालिटी, इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, बहुत लंबा चौड़ा चौड़ा चैप्टर है, 5 क्लास लगेंगी इसमें, 4 से 5। सारी मेहनत बस इसी पर ही करनी है, क्वेश्चन को समझना है। गलती कहाँ होती है? समझने में, जो सेंटेंस दिया है उसको समझने में, बस उसी को हमको पिक करना है बस। चलें, टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये तो हम लोग खत्म कर चुके ना। AS 14 खत्म हो गया ना। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, और ये कंपनी लॉ के ही प्रोविजंस को फॉलो करके कर सकते हैं। मेथड्स क्या हैं? अरे आ ही जाएगा, चिंता क्यों करते हो, ठीक है ना। इसमें से 2-3 चीजें तो मैंने बता ही दिया। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, इधर आओ, डिवेंचर हो ना, इधर आओ, क्रेडिटर हो ना, कॉम्प्रोमाइज करवाना। क्या करवाना? शेयर को सरेंडर करवाना, चल आधे शेयर फेंक दे, मांगना मत आज से। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, 10 रुपए की शेयर कैपिटल को अब कितने की बना दिया? 2 रुपए को बना दिया। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, 10% का पावर कितने का कर दिया? 15% का कर दिया। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही। और एल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, 2 लाख को 20,000 में चेंज कर दिया। दे आर डिफरेंट वेज, कई तरीके। समझ में आई बात? स्टार्ट करें। कहता है व्हेन अ कंपनी हैज बीन मेकिंग लॉसेस फॉर सेवरल इयर्स, अगर कोई कंपनी कई सालों तक लॉस बर्दाश्त बेचारी कर रही है, द फाइनेंशियल पोजिशन डजेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इन सच अ केस द एसेट आर जनरली ओवर वैल्यूड। देखो ना, फिक्स एसेट थी, हटाया कम किया, जो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स थी उनको वाइप ऑफ किया। बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ फिक्टिटियस एसेट्स, अनरिप्रेजेंटेड इनटेंजिबल एसेट एंड डेबिट बैलेंस ऑफ द पीएल अकाउंट। इन सच अ केस इट ऑलवेज लीड्स द कंपनी टू शो अ हायर नेटवर्थ। 16 लाख का दिख रहा था बैलेंस शीट, 16 लाख का, कोई वैल्यू था उसका? एंड नॉट डेपिसिटिंग अ ट्रू पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शॉर्ट द कंपनी इज ओवर कैपिटलाइज सच अ सिचुएशन, इट ब्रिंग्स द नीड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अफेयर्स। रिकंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस by which affairs of the company are recognized by revaluation of the assets and liabilities by writing off the losses already suffered। हम अब losses को क्या करने जा रहे हैं? जो assets का overvaluation है उसको क्या करने जा रहे हैं? खत्म करने जा रहे हैं। जो losses हैं उनको क्या खत्म करने जा रहे हैं? खत्म करने जा रहे हैं। by reducing the paid up, कहाँ से पैसा आएगा इन सब के लिए? शेयर कैपिटल से आएगा, उनके राइट्स को कम करके आएगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन इज यूजुअली टू रिकॉग्नाइज कैपिटल और टू कंपाउंड विद द क्रेडिटर सो दैट द कंपनी कैन बी बेल्ड आउट फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन विदाउट बाइंडिंग अप ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। कंपनी को बिना खत्म किए हुए हम आगे बढ़ सकें। अच्छा एक बात बताओ, मान लो वापस AS 14 में जाना उचित तो नहीं है, लेकिन एक पॉइंट याद आ गया, याद आया है तो क्लियर भी कर दें, उसके बाद वापस आते हैं। हम लोगों ने देखा था लास्ट में, जब हम मिनी बैलेंस शीट बनाते थे तो लास्ट में यहां बचता था शेयर इन एमलगमेटेड कंपनी, यही तो बचता था लास्ट में, सबसे लास्ट में 5 लाख, और यहां आता था इक्विटी शेयर होल्डर 5 लाख। दे करके बैलेंस शीट क्या हो जाती थी? जीरो। दे करके मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तुम लोग के सामने कि रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एज प्रेस्क्राइब्ड अबव विदाउट लिक्विडेटिंग द लिक्विडेटिंग कंपनी। लिक्विडेटिंग वर्ड मैंने गलत बोला, विदाउट लिक्विडेटिंग द एमलगमेटिंग कंपनी। एमलगमेटिंग कंपनी को बिना खत्म किए हुए अगर ऐसा दे देता तो उधर केवल एक लाइन और जोड़ देता। देखो याद आ गया, उस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो होता क्या, करना क्या होता है कि ये जो हम इसको दे करके जीरो करते थे ना,
जीरो मत करना। ये अगर इक्विटी शेयर कैपिटल, मान लो ये 5 लाख कहाँ से आया था, इक्विटी शेयर कैपिटल में था 3 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस में था 2 लाख, तो एक काम करना, इसको इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर मत करना, इसको ऐसे ही रहने देना, हो गई, बैलेंस शीट बची हुई है उस कंपनी की। कहाँ खत्म किया, ये कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ये उनके पास पड़े हुए शेयर हैं, इन्वेस्टमेंट बात खत्म, वो कंपनी खत्म नहीं हुई। यही तो पढ़ाया था, याद आया पक्का ना? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर मत करना। कहाँ नहीं ट्रांसफर करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर में, ये और ये शेयर ऐसे ही रहने दोगे, बैलेंस शीट अभी भी बची हुई है। ये किसके लिए बची हुई है, शेयर होल्डर के लिए, बात खत्म, बाकी सब खत्म हो गया। याद आ गया, भूल गए थे ये उस समय। क्लियर हुआ, चल सकते हैं। However, there may be an external reconstruction, जहां पर हम amalgamation कर रहे थे, wherever an undertaking is being carried on by a company and its substance transferred not to an outsider but to another company consisting substantially of the same shareholder with a view to of being continued by the transferee company external, such external is essentially covered by the AS 14. Merger वाला हो गया, वो तो कर चुके हम लोग। आते हैं अब वापस, ये question है, देखो इधर। 31 दिसंबर 21 को बी लिमिटेड के पास 20,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले। ये बी लिमिटेड है, तुम लोग खुद जर्नल एंट्री करोगे ना? दस रुपए वाले 20,000, तो 2 लाख हो गए, ये अथराइज्ड है। वेयर इश्यूड 8 रुपीज पेड अप, ये अथराइज्ड है, क्या है, तो पेड अप कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयरों का 8 रुपए, यानी 1 लाख। नाउ दिस इज गिवन टू यू इन द बैलेंस शीट। इन जून 2002 The company in general meeting decided to subdivide each share into 2 of rupees 5 paid up 4. June 2022 में कंपनी ने डिसाइड किया कि जो 10 रुपए का पेड अप है उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 5 रुपए पेड अप में, 5 रुपए फेस वैल्यू में, 5 रुपए की फेस वैल्यू में, और 8 रुपए का जो पेड अप है वो 4 रुपए का पेड अप हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रही है बात? जून 2023 में, अभी भी चैन नहीं है कंपनी को, जून 2023 में कंपनी ने जनरल मीटिंग में फिर से रिसॉल्व किया कि हर 20 शेयर को एक शेयर में कन्वर्ट करेंगे। जो 5-5 रुपए का कन्वर्ट किया था ना, अब कितने रुपए का एक शेयर है मेरे पास, 5 रुपए का, उसको हम 20-20 शेयर कन्वर्ट करेंगे तो 100 रुपए का एक शेयर बनाएंगे। और चूंकि इस पर पेडअप 4-4 रुपए था तो 20 का मतलब 80 रुपए पेडअप का बनेगा। अरे बोलो ना, 20-20 के कम मल्टीप्लाई में हो रहा है ना, तो 80 रुपए का पेडअप ये भी लिखा होगा। बताओ जर्नल एंट्री क्या करोगे? अरे बोलो ना सर, ये पहले तो खत्म करेंगे, कैसे, जून 2022 में, कब, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाला उड़ाना है ना, कितने रुपए थे मेरे पास, 1,60,000 के, बोलो, और हम उनको नया इक्विटी शेयर कैपिटल दे देंगे 5 रुपए वाला, जो 4 रुपए पेड अप होगा, कितने रुपए में, कहां बोला है खत्म करने के लिए, वैल्यू उतनी ही रहेगी। 5 को किस में कन्वर्ट करना है, 10 को किस में कन्वर्ट करना है, 5, तो 5 वाला अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, जो 10 पर 8 मिला हुआ था वो 5 वाला अपने आप 4 रुपए पर हो जाएगा। हाँ यहां क्यों,
कितने शेयर थे इस पर? 20,000 × 8 थे, पेडअप तो 20,000 × 8 था, अब ये 40,000 × 4 हो जाएगा। पेडअप देखो उतना ही रहा, नहीं पहले मेरे पास कितने शेयर थे? 1,60,000 रुपए मिले थे, हर एक शेयर पे कितना मिला था, यानी मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? ये पुराने थे और इनकी पेडअप वैल्यू कितनी थी? अरे फेस वैल्यू 2 लाख, और पेडअप कितना था? टोटल 1,60,000। हाँ है ना, हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। 20,000 शेयरों को 10 रुपए में ना कन्वर्ट करके अब हम कह रहे हैं हम 5 रुपए पर रखना चाह रहे हैं। फेस वैल्यू कितनी रखने चाह रहे हैं और टोटल कितना रखना चाह रहे हैं? इसका मतलब हमें कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? नए शेयर 5 रुपए वाले जाएंगे, 40,000, तभी तो 2 लाख रुपए के बदले 2 लाख रहेगा। लेकिन इनकी पेडअप वैल्यू कितनी रहेगी? 10 का 5 हो गया तो 8 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 40,000 × 4 कितना हो गया? अब बात समझ में आई? तो हमने अब 40,000 के 4 रुपए वाले शेयर दे दिए पेडअप वैल्यू, तो 40,000 के 4, लेकिन इनकी फेस वैल्यू 5 रुपए, 1 रुपया अभी मांगना बाकी है, अभी भी 1 रुपया बैलेंस में। समझ में आई बात? अब फिर जून 2023 में कंपनी को टेंशन हुई, उसने एक नया रिजोल्यूशन पास किया। उसने कहा नहीं, हमारे पास ना 40,000 शेयर थे 5 रुपए वाले, लेकिन उनका पेडअप वैल्यू था 40,000 का 4 रुपए। हम हर 20 शेयर को एक शेयर में कन्वर्ट करेंगे 100 रुपए के, 5 रुपए का एक है तो 100 रुपए का बनाने के लिए 20 को 1 बना दो, बहुत बिखरे हुए शेयर है ना, एक काम करते हैं 100 100 20 100 100 रुपए का एक एक शेयर बना देते हैं। तो हमने क्या किया, पुराने वाले इक्विटी शेयर कैपिटल जो 5 रुपए वाली थी 1,60,000 की, यानी कितने शेयर थे? 40,000 × 5, हाँ या ना, 2 लाख रुपए ये फेस वैल्यू है, और पेडअप वैल्यू कितनी थी? 40,000 × 4, अरे बोलो ना टोटल कितनी? इसी को ही हम हटा रहे हैं, अब इसको हम हटा दिया, हटा दिए, फेस वैल्यू से ही खत्म करेंगे, खत्म कर दिया। नया लाना है 100 रुपए के हिसाब से, 2 लाख रुपए रखना है तो कितने शेयर हो जाएंगे? 2,000, इसको कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन पेडअप कितना रहेगा? 20 शेयर का एक शेयर बन गया तो 80 रुपए हो जाएगा 20 शेयर पर पेडअप, 2,000 पर कितना पेडअप हो जाएगा? 1,60,000, नहीं अरे वही तो रहा, क्या फर्क पड़ा। तो हमने क्या किया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए वाला 1,60,000, दिस इज योर आंसर। क्या दिक्कत है क्या? तो बच्चों वाला चैप्टर है, यह है जर्नल, नोट कर लो, रुक जाओ। चले आगे, समझ में आया? देखो जो किया हम लोगों ने वही किया, नहीं है? चले सी लिमिटेड के पास 5 लाख शेयर हैं, कितने हैं? 100 रुपए वाले, और इसमें से केवल यानी 5,000 शेयर होंगे 100 रुपए वाले, 5 लाख रुपए के ये रुपए है तो 5,000 शेयर होंगे 100 रुपए वाले, जिसमें से 4,000 शेयर इशू किए गए हैं। इसका मतलब जो हमारी बैलेंस शीट है आज की डेट में, तो हम यहां लिख सकते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 5,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए वाले 5 लाख,
पैक कर दें इसको, ये अथराइज्ड है। इश्यूड कितनी है? केवल 4,100 रुपए वाले 4 लाख, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और पूरी तरह पेड है 100 के बदले। जून 2022 में द कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट द शेयर्स इनटू स्टॉक। उड़ी बाबा, कंपनी इन शेयरों को किसमें कन्वर्ट करना चाहती है जून 2022 में? जरा देखो तो ये नहीं लिखा होगा कि कितने रुपए में एक शेयर कितने रुपए के स्टॉक में कन्वर्ट हुआ। स्टॉक की कोई वैल्यू नहीं होती। हम सीधे कहेंगे अब मेरे पास दो लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का स्टॉक है, इक्विटी स्टॉक जिसको नाम देंगे। क्या नाम देंगे? बट इन जून 23 द कंपनी रिकन्वर्ट द स्टॉक इन टू शेयर, 10 रुपए वाले का फुल्ली पेड अप। अब इसके बाद जून 2023, क्यों? कंपनी ने रिकन्वर्ट किया है इनटू शेयर्स और एक शेयर का दाम रखा है, बस खत्म करें। बता सकते हो? अरे बता सकते हो क्या? जून 22 में क्या एंट्री करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाला था, 100 रुपए वाला था, 100 रुपए वाला खत्म कर दिया, 4 लाख रुपए का, और सबको किसमें कन्वर्ट कर दिया? इक्विटी स्टॉक। कंपनी जब चाहे इस स्टॉक को वापस इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। स्टॉक की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होती है, 1 रुपए 2 रुपए, अगर तुम चाहो 55 रुपए का भी स्टॉक बेच सकते हो फ्रैक्शंस में भी। बहुत बढ़िया, 4 लाख हो गया। अब कंपनी क्या करना चाह रही है जून 23 में? रिकन्वर्ट करना चाह रही है, तो इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाला। जब तक ये लोग इक्विटी स्टॉक पे रहेंगे तब तक इनके पास वोटिंग पावर नहीं रहेगा। बात समझ में आई? नोट करो इसको, दिस इज योर आंसर सॉल्यूशन टू। चलिए पक्का। अब जो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर थ्री। ये है ना, ये है, ये एडजस्टमेंट्स है। चलिए, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो सीधे कम से कम इतने मार्क्स दे करके जाएगा, और एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तैयार हो इसको करने के बाद? इस चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं, कुल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चले, कहता है हमारे पास शेयर कैपिटल है 1150 की रिजर्व एंड सरप्लस, देखो लॉस है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दी हैं 375 की, ट्रेड पेबल्स इतना है, क्रेडिटर शॉर्ट टर्म लोन्स हैं और करंट लाइबिलिटीज हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड डेटर्स दिया हुआ है, नोट्स टू अकाउंट्स में सेपरेट सब चीजें दी हुई हैं। कहो तो हम एक बैलेंस शीट पहले बना लें यहीं पर इसके सामने, ताकि ये टेंशन ही खत्म हो जाए। क्यों? 2 मिनट लगेगा लेकिन ये आपको पूरा फायदा देगा, टेंशन नहीं रहेगी आपको। डायरेक्ट भी बनाना चाहें आपके ऊपर है। पहले नोट्स टू अकाउंट्स पर इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000 10 रुपए वाले,
4,006% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10% था, 6% क्यूमुलेटिव, ओके क्यूमुलेटिव कितने रुपए वाला, कितने रुपए का था टोटल 4 लाख। और क्या दिया हुआ है, लॉस पीएल अकाउंट 5,35,000, माइनस में है 6% डिबेंचर्स 3,75,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर रखा हुआ है मॉर्गेज 1 लाख का लोन फ्रॉम डायरेक्टर, इंटरेस्ट ऑन 6% डिबेंचर 22,500, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 425, $50,000 का प्लांट, एक 30 की गुडविल और 55,000 शायद था ना, नहीं 37,500 का पेटेंट। सब लिख दिया, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 55,000। नोट सब हो गए, ऊपर वापस आओ, शेयर कैपिटल देखो 1150 का हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है, हाँ हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस भी हो गया, लॉन्ग टर्म लोन भी हो गया था, ट्रेड पेबल्स 3 लाख और बैंक ओडी 1,95, क्रेडिटर्स 3 लाख और बैंक ओडी 195, एक 22,500 ये शायद रिकॉर्ड कर लिया, अदर करंट लायबिलिटी हाँ हो गया है, नोट से जो जो था वो हो गया है, प्रॉपर्टी लिख दिया था, इंटेंजिबल लिख दिया था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिख दिया था, स्टॉक और डेटर 4,25,485। टोटल करो तो बाबू हो गया खत्म। आ रहा है ये, आ रहा है दोनों साइड 7,000 दोनों तरफ का आ रहा है, ठीक। ये हमारी बैलेंस शीट बन गई, किस कंपनी की थी, ए एंड कंपनी लिमिटेड, और 31 मार्च 2022। हमें अब केवल एडजस्टमेंट पढ़ने हैं, ढंग से सुनेंगे, कुछ है नहीं इस चैप्टर में लेकिन कमाल देखेंगे, मजा आएगा। प्रेफरेंस शेयर को राइट डाउन करना है, यानी खत्म करना है, कहां तक ले आना है उसको, यानी इसको हमें 75 तक लाना है, पहला काम, पक्की बात, राइट डाउन करना है, यानी उनकी 25 रुपए हम लोग पैसा हटा देंगे। इक्विटी शेयर को 2 रुपए तक ले आना है, इसको कहां तक लाना है, कह रहे ये पैसा राइट डाउन करना है, यानी इतना पैसा मार लेंगे हम लोग, नहीं समझे, उनको मना लिया, ये नहीं कि नया शेयर देंगे 2 रुपए वाला, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, राइट डाउन यहां तक करना है, यानी इनसे हम 8 रुपए माफ करवा लेंगे और इनसे 25 रुपए माफ करवा लेंगे। जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है 4 साल का एरियर, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है,
क्यूमुलेटिव का मतलब होता है आपको अगर इस साल का डिविडेंड नहीं मिला तो आपको इस साल का डिविडेंड अगले साल के डिविडेंड के साथ जोड़ करके दिया जाएगा इफ द कंपनी इज इन प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर कई सालों से लॉस ही लॉस हो रहा था, तो अब कंपनी कहती है भैया इसका तो चूंकि हम लोग के पास प्रॉफिट नहीं था इसलिए कोई प्रोविजन किया नहीं, एंट्री की नहीं, लेकिन 4 सालों से हमने आपको कोई डिविडेंड दिया नहीं है, 3/4 ऑफ द डिविडेंड विल बी वेव्ड, जो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा वो वेव हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 4 ईयर्स कितना है 24,000, 4 लाख का 6% इंटू 4 ईयर्स 96,000। बोलो इसमें से वेव कर दिया जाएगा 75%, 3/4 बोला है ना, 3/4 बोला है तो 3/4 का मतलब 75% ये राइट ऑफ हो जाएगा। बैलेंस कितना बचा 1/4 यानी 25% यानी 24,000। अरे बोलो ना, और ये 72,000 हो जाएगा 72,000। 24,000 के लिए कर रहा है हम उनको इक्विटी शेयर दे देंगे, क्या इतनी तुम माफी दे रहे हो हमको, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, तो इसके बदले हम क्या देंगे, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए वाली, बस ना ये एक एडजस्टमेंट करना है। आगे चले, इंटरेस्ट जो है वो कैश में दे दो, जो ये इंटरेस्ट है ना ये वाला ये कैश में पे कर दो। बोलो डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू टेक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को वो 1,20,000 में लेने को तैयार है। तो हमारे पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी कितने की बैलेंस शीट में, 4,25,000 कितने की थी, इसमें से 1 लाख रुपए की बुक वैल्यू कितने की, ये अलग कर लो, बैलेंस यहां अलग कर लिया, इसको कौन लेने को तैयार है, डिबेंचर होल्डर कितने पर लेने को तैयार है, तो इसको सबसे पहले रीवैल्यू कर लो, कितने रुपए से कितने रुपए पर हो जाएगा, और इसको टेकन ओवर बाय डिबेंचर दे देंगे उनको 1:20 में। इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग, पार्ट पेमेंट हमको डिबेंचर होल्डर को टोटल देना कितना था, 3,75, 3,75 में उनको 1:20 की प्रॉपर्टी मिल गई, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने रुपए की, बचा कितना 2,55 देना है ना अभी। एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश, उड़ी बाबा 1,30,000 सिक्योर्ड बाई इंटरेस्ट रेट 8%, मतलब बता सकते हो कोई, जो बता लेगा उसको मेरी ओर से 50,000 का इनाम। देखो सबकी आंखें फटी रहेगी देखने के लिए, ऐसा क्या है हाँ? नहीं हुआ ना, क्या है बोलो तो, ऐसा क्या है इस लाइन में तुम लोग को सोचने पर मजबूर कर दिया है, कुछ ऐसा नहीं है मैंने ऐसे ही बोला था, बताओ बोलो। अरे समझ में आया अब तक, कसम से ऊपर वाला भी नहीं समझ में आया, अच्छा डरा दिया हाँ बोलो, मुंडे हिला रहे इसका मतलब नहीं कि वो सही बोल रहा है हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, हो सकता है सही बोल रहा है। हाँ बोलो
सेठ जी पीछे वाले सबसे दुबला पतला है लेकिन सबसे पीछे बैठता है, दिखाई देना ही बंद हो जाता है, इनविजिबल है। हाँ अरे बोलो भाई, क्या इसमें ऐसा क्या बोल दिया है मैंने? सुनो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हम तो वैसे ही मरे हुए थे, मतलब ए एंड कंपनी, उससे 1,30,000 रुपए और मांग लेगा कोई ना? उल्टा मैंने उनसे कहा, हम तुम्हारे हाथ पैर जोड़ते, कुछ पैसा दे दो। उन लोगों ने 8% के हिसाब से 1,30,000 रुपए और दे दिया हमको। यहां कहां लिखा है कि हम उन्हें उनको पैसा दिया? कहां लिखा है हमको ये बताओ। उनको उनकी रीपेमेंट किया है, पार्ट पेमेंट उनकी अगेंस्ट, इतना अभी देना बाकी है, कितना 2,55 देना बाकी है, 1,20 दे दिया ना, लेकिन वो अभी भी कंपनी की मदद करना चाहते हैं। उसके बाद जब हमने उनको प्लांट दे दिया 1 लाख का, 1,20,000 में, उसके बावजूद वो कहते हैं ले लो पैसा हमसे 1,30,000 8% के हिसाब से, और फ्लोटिंग चार्ज रहेगा कंपनी की एसेट्स पर, लिखा भी है कि हमें एडिशनल मदद करेंगे 1,30,000, यानी हमारे पास प्लस होगा 8% डिवेंचर 1,30,000 के न्यू, पुराना जो है वो रहेगा ही रहेगा। उल्टा हो गया ना सब, सोचा ही नहीं था ऐसा, अब दिमाग भी नहीं जा रहा था वहां तक। ठीक है, कहता है पेटेंट एंड गुडविल को खत्म कर, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? जीरो। स्टॉक को 65,000 से माइनस कर, तो माइनस कर देंगे कितने से? 65 से। बैड डेट्स के लिए 68,500 माइनस, बैड डेट्स हो चुका है। बची हुई प्रॉपर्टी को डिवेंचर होल्डर को देने के बाद 3,87,500 पर रीवैल्यूड करना है। ये देखो, डिवेंचर होल्डर को देने के बाद इसको रीवैल्यू कितने से करना है? 387। डिफरेंस कितना आया जरा देखो तो, 62,500 आ रहा है ना, ये रीवैल्यूड हो जाएगा, यानी टोटल प्रॉपर्टी रीवैल्यूड हुई। तो देखो आज तक टोटल कितनी रीवैल्यूड हुई दोनों को मिला लिया जाए तो, 20,000 पहले और बची हुई 62,500, टोटल रिवॉल्यूशन कितने का हो गया? 82,500 का। इन्वेस्टमेंट को हम बेच देंगे 1,40,000 में, इसको सोल्ड कर देंगे कितने में? पैसा आ जाएगा ना हमारे पास। डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन 90%, नया शेयर ले लेंगे 2 रुपए वाला, ये 1 लाख देना है ना लोन टू डायरेक्टर्स, कितना देना है? करें 90% जो इनकी वैल्यू है कितनी, इनको नया शेयर दे देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपए वाला ये दे देंगे, बोलो। और 5% कैश में दे देंगे, 5% वो लोग एहसान करेंगे। 5% कैसे दे दें? कैश पे कर दें। और 5% क्या करेंगे? पक्का। देयर वेर कैपिटल कमिटमेंट, हमने किसी को कहा था, किसी से एग्रीमेंट हुआ होगा मेरा कि हम भाई 2,50,000 रुपए हम खर्च करेंगे कैपिटल कमिटमेंट, कि हम तुमसे बिल्डिंग बनवाएंगे कुछ भी हो। दीज कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी कैंसल्ड। अब चूंकि कंपनी इतने लॉस में जा रहा है तो भैया इन सारे कॉन्ट्रैक्ट को क्या करो? कैंसिल करो। अब सामने वाला कहता नहीं, हमको 5% पेनाल्टी के तौर पे दे दो, हम कैंसिल करने को तैयार है। नहीं, कुछ पेनाल्टी मांगेगा तो यहां पर हो जाएगा पेनाल्टी अगेंस्ट कैपिटल कमिटमेंट। भाई बैलेंस शीट में तो कहीं लिखा हुआ नहीं था, केवल बातचीत हुई थी फोन से, हाँ हो गई थी, उसने कहा हम काम कर देंगे। अब मैं कह रहा हूं मत करो, लगा चिल्लाने, उसने कितना पेनाल्टी मांगा, तो अलग से हमको बैलेंस शीट के बाहर जाकर पेमेंट करना पड़े, लेकिन खर्चा तो है कंपनी का।
इग्नोर टैक्सेशन हो गया। छोटा क्वेश्चन था, किया जाए इसको। जर्नल एंट्री तैयार। मजे लेना है, चलो सबसे पहले एक एक करके उठाते जाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल को इधर कुछ देखने की जरूरत है क्या? सारी चीजें हमने यहीं लिख दी हैं, ये टोटल चीजें यहीं लिखी हुई हैं। इसको देख कर हाँ साफ हो गया। इसको देखते जाओ और खत्म करते जाओ। ऊपर से करें, 10 रुपए को कितने पर लाना है? 75,000 शेयर थे 10 रुपए वाले, ये नहीं कहा है कि हम 2 रुपए वाले शेयर दे देंगे ना, ये कहा है उसको 2 रुपए तक खींच करके पटक करके लाना है, यानी 6 लाख रुपए हम उनसे माफ करवाएंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अगर तुम लोग कहते हो नहीं सर हम ना इक्विटी शेयर कैपिटल की भी वैल्यू 2 रुपए पर ले आएंगे। अब कहो सर आपको कैसे मालूम है, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हमें मालूम है, पूछो कैसे। हमें एक नहीं कई बार क्वेश्चन ने हिंट दिया बीच बीच में कि जो नए शेयर हैं वो अब आपके 2 रुपए में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्या नए शेयर हैं वो 2 रुपए में कन्वर्ट? देखो बीच बीच में हिंट देता रहा है ना। तो नया शेयर पहले कितना था? 75,000 10 रुपए वाले थे, अब 75,000 2 रुपए वाले हो गए। अरे टू कैपिटल फायदा हो गया कितने का? तुम लोग सेम यही काम किसमें करोगे? ये काम हो गया पहला, इक्विटी का ये हिसाब किताब खत्म। अब किसकी बात करें? प्रेफरेंस को 25 रुपए से खत्म करना है, तो 6% प्रेफरेंस 100 रुपए वाला, कितने रुपए का था? टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने पर खत्म करना है? 25 रुपए खत्म करना है। तो 3 लाख शेयर उतने ही रहेंगे, 4,000 के 4,000, तो 4,000 × 75 हो जाएगा टू कैपिटल 1 लाख रुपए, यहां से बच गया। बोलो हमने ये भी खत्म कर दिया, उड़ा दें इसको यहां से। अब इसका जो प्रेफरेंस डिविडेंड है नीचे आएगा, चिंता न करना। पीएल अकाउंट को खत्म कर दें, जरूरत है क्या पीएल की? पीएल को खत्म ही करना पड़ेगा। क्या करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएल, डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीएल को हटा दें, अब तो इसको रखने से कोई फायदा है नहीं। अभी भी बीमार रहना चाहते हो क्या? ये दवा दारू इंजेक्शन तो लग रहा है ना, अब तो ठीक हो जाओ, हाँ या ना? अब जो बीमारियां हैं उनको उड़ा दो। उड़ा दिया, ये भी हमने खत्म, ना बोलता क्वेश्चन में तब भी उड़ा रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है बीमारी को ठीक करने के लिए है, तो बीमारी रखोगे क्यों? अब तो हेल्दी बैलेंस शीट बनानी है ना। क्या? अरे ये डेबिट बैलेंस है भाई। कौन सा बैलेंस है? तो डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? ब्रैकेट में है। डिवेंचर की बात करें, हीरा ने दे नीचे आएगा ही, लोन टू डायरेक्टर नीचे आएगा ही, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को कैश में पे कर देना है तो कर दे। बोलो 22,500 कैश दे दिया,
एसेट साइड देखा जाए, गुडविल और पेटेंट को उड़ा दो, डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करते हो? तो डेबिट क्या करोगे? लॉस खत्म हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन से ही तो खत्म होगा। टू गुडविल, टू पेटेंट, टू स्टॉक, टू डेटर्स, यही तो था, चार चीजें हैं। गुडविल कितने की थी? 130 और 37,500, 130 एंड 37,000, खत्म हो गई गुडविल और पेटेंट। क्या दिक्कत है भाई, जरा देखो तो इसको खत्म करना है, कितने से माइनस करना है? 65 से स्टॉक को, 68,500 से माइनस करना है डेटर्स को, 65 एंड 68, जरा बताओ कितना है टोटल? नहीं बताओगे? थ्री लाख 1,000 सच्ची में? अच्छा, इन्वेस्ट को सेल कर दें कितने रुपए में? 1,40,000, 55,000 के इन्वेस्टमेंट को 1,40,000 में बेच दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000, ये आया पैसा और इन्वेस्टमेंट चला गया मेरी जेब से। टू कैपिटल रिडक्शन, इंसानों ठीक, कुछ कुछ समझ में आ ही रहा होगा। बैलेंस शीट हम लोगों को जितना करना था कर लिया, अब जरा नीचे देखा जाए, इनको अब खत्म करने की बारी है। प्रेफरेंस डिविडेंड 4 साल का था, 96,000, या ऑफ द बैलेंस शीट आइटम था, इसको क्या बोलते हैं? जो बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट नहीं हुआ था जिसका, इसको हम कहते हैं ऑफ द बैलेंस शीट आइटम। कितने रुपए का था? 96,000, बट नाउ दे आर रेडी टू टेक ओनली 24,000। कितना? अब आउट ऑफ द बैलेंस शीट थी, ऑफ द बैलेंस शीट आइटम था, तो बाहर ही बाहर माफ हो गया, इसकी क्या एंट्री करोगे? कुछ नहीं, जब कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था तो इसको हटाने की, जब जाने का नहीं हुआ, खर्चे की तरह दिखाया नहीं था, तो अब उसके हटने का भी कोई एंट्री नहीं होगा, तो इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। केवल ये जिसके बदले हमको कुछ देना है, 24,000 रुपए देने हैं, कैश में नहीं जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। तो हमारी जेब से क्या निकला? इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपए वाला 24,000, और आया क्या बाबा जी का टुल्लू, कहां जाएगा ये? कैपिटल रिडक्शन में। लॉस हो गया ना मेरा, बोलो। हो गया ये भी खत्म। अरे बोलो ना, अब आए दूसरे पर। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को कितने से प्लस कर दें? टोटल मिलाकर एक ही बार में प्लस कर दो 82,500 से। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बढ़ाओ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, बोलो ना। टू कैपिटल रिडक्शन, बहुत बढ़िया। कितने रुपए से? 82, यानी अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हमको रिवैल्यू करने की जरूरत, दोनों मैंने एक साथ कर दिया। और हम ये 1,20,000 की प्रॉपर्टी किसको दे दें? डिवेंचर्स को। डिवेंचर्स 6% वाले थे, तो 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितने रुपए से? 1,20,000। जो 20,000 का फायदा हुआ था वो ऑलरेडी हम कैपिटल रिडक्शन में ले जा चुके हैं। बोलो, वो बेचारे 1,00,000 की चीज कितने में ले जा रहे हैं? 1,20,000 में। हो गया ये भी खत्म। उसके बाद वो कहते हैं हम आपको पैसा और देंगे। कितना? ये सब हो गया, हम लोगों ने कर लिया, ये भी कर लिया, उनको दे दिया, ये भी कर लिया एंट्री। वो 1,30,000 हमको और रुपए देंगे, 8% डिवेंचर 1,30,000 के। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर कितने रुपए वाले? 1,50,000 और आ गया। तो हम लोगों ने ये जर्नल एंट्री भी कर ली। पेनाल्टी दी है कितनी? कैपिटल कमिटमेंट था 2,50,000 का, 5% 12,500,
जेब से जाएगा ना, ये भी तो ऑफ द बैलेंस शीट आइटम था, कमिटमेंट ही तो था केवल, क्या करें। जेब से निकलेगा पैसा 12,500, निकालें बताओ। टू बैंक कितना, कहां से जाएगा, लॉस अकाउंट डेबिट, हो गया। बचा क्या, यही लोन 1,00,000 का डायरेक्टर को लोन हटाना है, डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट 1,00,000, नाइन्टी परसेंट क्या दे दे उनको, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपया वाला 90,000 का। टू कैश चाहिए उनको या बैंक 5,000, बाकी 5,000 कहां चला जाएगा, इसके अलावा क्वेश्चन कुछ बचा क्या। 16 नंबर का सोचो ये क्वेश्चन है और टफ माना जाता है, क्या माना जाता है, तुम लोगों ने पहले ही लेक्चर में टफ क्वेश्चन खत्म कर डाला, लगभग लगभग सब इसके अंदर ही आएंगे, अब जितनी प्रैक्टिस होगी 2 लेक्चर 3 लेक्चर जो भी होंगे 4 लेक्चर सब इसके आसपास ही घूमेंगे। खत्म ऐसे नहीं करना है क्या, ये देखो जरा जोड़ते जाओ, कैपिटल रिडक्शन में कितना पड़ा हुआ है, 6,00,000 क्रेडिट, 1,00,000 और क्रेडिट, 7,00,000, 7,00,000 माइनस, अच्छा रहने दो, 7,00,000, 7,00,000 प्लस प्लस करने वाला करना केवल 85,000, 7,85,000 प्लस 82,500 प्लस 5,000 टोटल कितना हो गया, 8,00,000। ये पक्का, चलो डेबिट की बात करते हैं कैपिटल रिडक्शन में, लिखो 5,35,000, 3,01,000, 24,000 और 12,500। देखो ना कंपनी किस तरह से प्लानिंग बनाती है, नहीं समझे, तुम लोग को जो हम होमवर्क देने जा रहे हैं ना, हम तो बैलेंस शीट इधर को कुछ बचा ही नहीं, बचा होता तो हम किस में डालते, कैपिटल रिजर्व में, डेबिट नहीं बचेगा ये तो श्योर हो जाओ, कभी भी कैपिटल रिडक्शन का कभी डेबिट बैलेंस बचेगा नहीं, बीमारी कंपनी बीमारी रह जाएगी फिर, नहीं समझे, इलाज हुआ कुछ ना कुछ, अभी वायरस रह गए तो वो काम नहीं करना है, उसको पूरी तरह से वाइप ऑफ करना है। हम नई बैलेंस शीट, इधर देखो बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम ओल्ड फॉर्मेट में बनाने जा रहे हैं, तुम लोग घर से क्या करके आओगे, न्यू फॉर्मेट में बैलेंस शीट आराम से 1.5 घंटा दे करके बनाओगे, ठीक है, इसको हम लिखेंगे आफ्टर रिडक्शन। क्या क्या लिखोगे जरा देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का था, हटा दिया जीरो, नया क्या आया लिखो, 1,50 2 रुपए वाला था, 24,000 2 रुपए वाला था 174 प्लस 90,000 264 2 रुपए वाला, इक्विटी शेयर कैपिटल 264 हो गया। अच्छा ये आईसीयू कहाँ आ गया यहाँ पर आसपास, 4,00,000 कितना है, 4,00,100 रुपए वाला, ये पूरी तरह से खत्म कर दिया, हम लोग बीमार आज बात कर रहे हो, बगल में बस ये आवाज भी आ रही है, मुठूट फाइनेंस वाले लग रहे हैं। देखो इधर 3,00,000 क्रेडिट नया, बस 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोलो नया हो गया, पीएल अकाउंट खत्म ही कर दिया है, 6% डिवेंचर 375, 6% डिवेंचर 375 में से 120 हटा दो,
तो 255, तो 6% डिबेंचर 255 बोलो। लोन डायरेक्टर्स का पूरी तरह से खत्म कर दिया है, बोलो ना। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्रेडिटर्स कितने हैं, वो उतने ही रहेंगे, उनको कुछ टच नहीं किया। बैंक ओडी टच नहीं किया, 1,95,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना था, 4,25। इसमें से 82,500 हमारा बढ़ा था, लिखो 4,25 प्लस 82,500 माइनस 1,20, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 387,500। आ रहे हैं ना, काहे बीमार हो रहे हो रे। प्लांट कितना है, इसको टच नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं ना देख लोगे, एक चीज खत्म करते हुए लाइन से खत्म कर रहे हैं, टेंशन ना लो उसके लिए। गुडविल पेटेंट खत्म, कहां खत्म, ये देखो गुडविल और पेटेंट खत्म। इन्वेस्टमेंट बेच दिया, खत्म, बोलो। अच्छा स्टॉक कितना है, 4,25,000 माइनस 65,000 कर लो। स्टॉक कहाँ गया, ये 4,25 में से 65 माइनस करो तो 360, अरे बोलो ना। डेटर्स में से 68,500 माइनस करना था, 416,500, हाँ तो डेटर्स हो जाएगा 416,500। बैलेंस शीट पूरी तरह देख लिया, अब आए यहां पर, ये तो हमारा अकाउंट जीरो हो चुका है, कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। ये अकाउंट हमारा जीरो हो चुका है, सोचने वाली बात है नहीं, ये अकाउंट जीरो। पीएल हमने बैलेंस शीट से ही खत्म किया है, जीरो। कैश हमारा माइनस में गया, कैश हमारा माइनस है 22,500, चलो हटा दिया। कैपिटल रिडक्शन जीरो हो चुका है, डेटर्स हमने एडजस्ट कर ही लिया, बैंक प्लस हुआ है कितना, 1,40, बोलो। और 85,000 खत्म हो ही चुका है, कैपिटल रिडक्शन खत्म हो ही चुका है, कैपिटल रिडक्शन खत्म हो ही चुका है, बैंक प्लस हो गया कितना, 8% का नया डिबेंचर आ गया, 1,30,000। अब समझे, 8% डिबेंचर कितने का, 1,30,000। कैपिटल रिडक्शन खत्म हो गया, पेमेंट कितना हुआ है, 12,500 माइनस कर देंगे 12,500। और कैश कितना माइनस हुआ है, 5,000, बस बताओ तो कितना आ गया, 230 कैश, ये तो खत्म हो ही गया है, कैश एंड बैंक 230, टोटल करो दोनों तरफ का, ये मत कहना नहीं मिल रहा है। कितना आ रहा है, 44,000। आगे दोनों तरफ बताइए, समझ में आई बात, ये तुम लोग नई बैलेंस शीट में बना कर लाओगे ना कि पुराने में, ये मेहनत तुम लोग को करनी है घर पे, और नेक्स्ट सेशन में दिखाओगे, नोट कर लो इसको। सॉल्यूशन 3 है,
हो गया। अच्छा कुछ पूछना है तो पूछो, मजा आया होगा। सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है। तुम तो दिख ही नहीं रही थी भाई, छुप जाती है पीछे। महीन लोग आगे बैठे, कल से जो महीन है वो आगे बैठेंगे, मतलब जो पतले। ठीक है ना, एंड करें। थैंक यू बच्चों।